तो एक और हारमोनियम आ गया है, इसमें देखो कितनी धूल है। पहले तो अच्छे से साफ करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है हारमोनियम मेरे लिए, सबसे ज्यादा टाइम लगता है इसमें सर्विसिंग, ट्यूनिंग की, इसको सब एडजस्ट करना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अरे बहुत धूल उड़ रही है यार, मास्क पहनना पड़ेगा। भी यहाँ पे दो स्क्रू हैं, उससे ये पूरा अंदर का भी बाहर आ जाएगा, खुल जाएगा ये, तो इसको खोलना पड़ेगा। हारमोनियम दिखता एकदम ऐसा है पेटी जैसा, लेकिन होता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, इधर आगे के भी स्क्रू खोलने पड़ेंगे, नहीं तो वो ओपन नहीं होगा। ये ऐसे खुल जाता है डोर के जैसे, इसके अंदर भी धूल होती है। ये दो चेंबर होते हैं, वन और ये टू। ये होल दिख रहा है आपको, यहाँ से हवा अंदर आती है और फिर ये रीड्स यहाँ पर लगती है, फिर ये रीड्स वाइब्रेट करते हैं, तब जाके वो साउंड आता है। फिर धूल निकल गई यार, इसको पैक करके अब ले चलते हैं आगे, कीस लगा के ट्यूनिंग करेंगे अब। इस हारमोनियम का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, ऐवे ही बना दिया है, बिगिनर्स के लिए है ये हारमोनियम। मुझे ये देख के पता चल जाता है सब कुछ, एकदम अच्छे हारमोनियम भी आते हैं बट ये वाला थोड़ा ऐवे ही है। अब ये कीस लगाते हैं, ये सारी कीस निकाल के रखी है। अच्छा कीस, ये सब पे मैंने नंबर लिख के रखे, 3 नंबर है, ये यहाँ लगाने हैं। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये 18 है, देखते हैं इसको, ये 6 है, 4, 5, 6, ये 39 लास्ट वाला है, 39 की इसका हारमोनियम है। ये मच्छर काट रहा है यार, बट क्या करूँ अभी। मच्छर मारने का शस्त्र हमारे पास है, कोई भी मच्छर आता है इससे हम उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं जला के। आ जा बेटा, कहाँ है, कहाँ गया, कहाँ गया। मच्छर बहुत परेशान करते हैं यार, दिन में भी और रात में तो बहुत ही करते हैं, इसलिए मैं मॉस्किटो नेट लगा के सोता हूँ। तो सारी कीज लग गई अपने अपनी जगह, अब एक एक करके कीज को, हर एक एक कीज को ट्यून करना पड़ेगा, वो भी दो दो बार क्रॉस चेक भी करना पड़ता है। फिर उसके बाद अब हर की को ट्यून करना पड़ेगा एकदम 440 हर्ट्ज में, एकदम ट्यूनर के साथ, ताकि एकदम बढ़िया वाले सुर में आ जाए। ये सी और सी शार्प के बीच में है कहीं, तो उसको ट्यून करके सी पे लाएंगे। ऐसे हर एक की के लिए करना पड़ेगा। और हमारी प्यारी मौसी आ गई है, पहले इनको झाड़ू लगाने देते हैं। यो मौसी, यो पिक्सी मौसी को बहुत परेशान करती है। बच्चू, मौसी को क्यों परेशान करते हो? ये बहुत परेशान करती है मौसी, झाड़ू लगाती कचरे में आके बैठ जाती, कचरे के ऊपर बैठ जाती है। क्यों परेशान करते हो, करने दो मौसी को काम। हाँ इधर बैठो, इधर ही बैठो, इधर ही बैठो, नहीं 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 नीचे नहीं जाना, इधर ही बैठो। हाँ इधर ही बैठो, गुड गर्ल। नीचे नहीं जाना है पिक्सी, बैठ जाओ, इधर ही बैठो, इधर ही बैठो। मानती नहीं है यार, इधर ही बैठो बच्चो। नो 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 नो, अरे अरे अरे, नी नो 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 नो, नीचे नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, नहीं 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 नहीं। हाय बोल दो, हेलो गाइस, कैसे हो। तो ये वाला एक्वेरियम हमने साफ कर दिया है, ये उसका प्लांट है और इसमें भी जो कचरा था वो भी साफ कर दिया है। और ये देखो बेटा फिश का जो बच्चा था ब्लू वाला, कितना सही लग रहा है इन लोग के साथ, ब्लैक के साथ ब्लू मस्त लग रहा है। तो इसके भी सब ग्लास क्लीन कर दिए हैं, बाहर से भी करना है अभी, और ये प्लांट वापस इसमें डाल देते हैं। अरे और गलती से एक बच्चा इसमें आ गया पता है, पाइप के थ्रू साइफन कर रहा था, को भी ध्यान से वापस इसमें डाल देंगे। ये दिख रहे हैं ना छोटे छोटे ब्लैक कलर के, उनका भाई बहन होगा कोई। छुप गया यार, किधर गया, आ जा दिख जा, बोरा बोरा दिखा दिखा दिखा, आ जा आ जा आ जा आ जा, गिरा गिरा दिखा आपको, ये आ गया आ गया आ गया गाइस, बोरा छोटू सा, छोटू सा है देखो ब्लैक कलर का। तो ये वापस से हरा भरा हो गया है हमारा एक्वेरियम। अब आती है हमारा मेन एक्वेरियम, ये मेरा मेन एक्वेरियम है, ऊपर प्लांट्स है,
पानी के अंदर भी प्लांट्स है, सब ओरिजिनल प्लांट्स है इसमें, और ये मेरा फेवरेट एक्वेरियम अभी तक का। तो इसमें हम क्या करेंगे, आज 2-3 महीने हो गए ज्यादा, इसमें मेजर सफाई नहीं की है मैंने, सिर्फ कांच साफ करता था ये आगे वाला, बट अभी इसमें 50% वाटर चेंज करूंगा मैं, कभी नहीं किया इतना पानी चेंज, 10% करता था मैं। और जो प्लांट ज्यादा बढ़ गए हैं उसको कट कर देंगे, ट्रिमिंग कर देंगे। तो हारमोनियम भी ट्यून हो गया है, अभी हुआ जस्ट रात के 11:30 या 12 बज रहे होंगे जो भी, और 2 गिटार और आए थे अर्जेंट में वो भी कर दिए, और एक और गिटार था वो भी हो गया, एक्वेरियम भी सारे क्लीन हो गए। अब सुबह मिलते हैं, आज का दिन बहुत हेक्टिक भरा था, सुबह मिलते हैं। आज वैलेंटाइंस डे है और आज गुड न्यूज़ मिली है, एक क्लाइंट आए थे मेरे, तो उनके पास ग्रे कलर का पर्शियन कैट है, जो अपना टॉम एंड जेरी में नहीं होता वैसा ग्रे कलर का पर्शियन कैट है, तो आई थिंक पिक्सी का वैलेंटाइन मिल गया है हमको। पिक्सी तुम्हारा वैलेंटाइन मिल गया है बच्चू, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कैसा लग रहा है, उसका नाम है पॉपी, तो पिक्सी एंड पॉपी। कुछ बोली नहीं थी, शर्मा गई है शायद। एक ही गिटार था तो इसका ये हेड जो है पूरा अलग हो गया था, तो ये हेड अभी चिपकाया है, 2 दिन लगेंगे इसको अच्छे से क्योर होने में, फिर स्ट्रिंग लगाएंगे इसमें। ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, कुछ लोग मतलब कैसा केयर नहीं हो पाता है ना, कभी स्ट्रेट रखा होता है गिटार गिर जाता है तो वो हेड पूरा निकल जाता है, नॉक ऑफ हो जाता है, तो संभाल के रखना पड़ता है, कोई बैठ ही जाता है उसके ऊपर गिटार पर एक्सीडेंटली, तो वो पूरा हेड अलग हो जाता है, मुंडी गर्दन उड़ जाती है। तो अभी खाना बना है, मस्त बना है, आलू मटर फ्लावर मिक्स सब्जी, इसका जूस जो है रोटी में पूरा मिल गया, मस्त लग रहा है एकदम जूसी जूसी।